दीदी और प्रीति ने इस घर में भी बहुत मेहनत करी वाले। जब बर्फबारी होती है, बारिश लगती है, इनका रोना धोना यहाँ भी शुरू। क्या करें अब, प्रीति की कमी तो कुछ टाइम तक खलेगी ही हमें। और जो दूल्हा है वो पैदल जा रहा है, उसको वह डर लग रहा है। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, सामने के पहाड़ों पे धूप लग चुकी है और पास में ही ना एक खेत में देखिए दो बैल जा रखे हैं मस्त में से चरने के लिए उजाड़। तो उनको भगाना पड़ेगा यहीं से। उसके लिए जरा हम ड्रोन का सहारा लेंगे, नहीं तो वो लोगों के खेत बर्बाद कर देंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो घर के दूसरी साइड यहाँ गेहूं बोए हैं तो मवेशी जाके नुकसान कर दे रहे हैं, और इस साइड ये कोदा की सार थी जो कि पूरी खाली है तो यहाँ आराम से चर सकते हैं। तो सारे जो मवेशी हैं वो इधर भगा दिए मैंने, नहीं तो पूरा नुकसान कर देते हैं लोगों के खेतों का। बाकी आज घर पे माँ और मैं ही हैं और पप्पा जी जा रखे हैं गाँव में जहाँ पे शादी थी। आज वहाँ से बारात जाएगी दुल्हन के घर तक। तो जहाँ पे हम कल बारात में गए थे वहाँ की बारात भी अभी प्रस्थान कर चुकी है दुल्हन के घर के लिए। और जो दूल्हा है वो पैदल जा रहा है, उसको वह डर लग रहा है बल घोड़े खच्चरों में जाने में बल। बाकी सभी लोग बराती हैं जो कि बारात में जा रहे हैं, और यहाँ पे त्रिलोक भी आ गए, मैं पुपू का लड़का। तो सुबह सुबह यहाँ पे हमारी पुपू जी भी आ चुकी हैं और पुपू जी घर जा रही हैं, यहाँ शादी वाले घर पे विदाई हुए थे। पुपू जाएंगे अपने घर को, हम भी जाएंगे पुराने वाले घर पे काम वगैरह करने के लिए। काफी लेट हो गई है आज, अभी लग रहा है सुबह होगी लेकिन 10 भी बज चुके हैं। आजकल दिन का तो पता ही नहीं लग रहा है। तो चले जी, पुपू को भी यहाँ से गाड़ी मिल गई है गुप्त काशी जाने के लिए। जाता वह ठीक था। आजकल हम सबकी बहुत ज्यादा दौड़ भाग हो गई है, शादी से पहले भी दौड़ भाग थी और अब भी दौड़ भाग है, और ये सब जिम्मेदारियां ना सबके साथ होती हैं। बस हमारी जिम्मेदारियां वीडियो के थ्रू दिख जाती हैं आप लोगों तक। पहाड़ की सड़कें इतनी संकरी रहती हैं कि अचानक से मोड़ पे कोई भी गाड़ी आ गई तो एक साइड वाले को तो रुकना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी आ गई, बहुत दिनों के बाद ऐसे पुराने वाले घर की ओर आना हो रहा है सुबह के टाइम पे। यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगी अभी, नए वाले घर पे ऐसे लग रहा है कि धूप जाने वाली है। बाकी यहाँ परवाड़ी वाले घर पे आने के बाद सबसे पहला काम रहता है गौशाला का, गाय को चारा पत्ती वगैरह देना, ये सबसे जरूरी काम है। आज तो सुबह से दूध भी नहीं दुआ, तो मतलब कि आजकल इतना टाइम खराब हो गया है हमारा। माँ बोली प्रीति के बिना घर सुनसान लग रहा है, घर भी रोता है बल आसपास की चीजें भी रोती हैं, सुनसान सा माहौल तभी होता है ऐसे। वैसे पहले ना प्रीति कॉलेज रहती थी, घर पे माँ पापा ही रहते थे, मैं भी जॉब करता था, लेकिन उस टाइम पे ये था कि प्रीति तो अपने ही घर पे है। लेकिन तब का माहौल और आपके माहौल में तो बहुत अंतर आ गया है। तो यहाँ धारे से तो बाल्टी पे पानी ले जाना पड़ता है गौशाला तक, और कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि धारे से पाइप लगा दीजिए गौशाला तक। कई बार सोचा भी है लेकिन करेंगे इस काम को भी जल्दी से कभी। अब जब तक घर पे हूँ माँ के साथ काम में पूरी हेल्प करूँगा भाई। दूध भी तो न पीना है आज, हेल्प भी तो न करना है। सर्दियों में ऐसे धूप पे बैठने का तो मजा ही कुछ अलग रहता है, धूप की किरणें ना प्यारी प्यारी सी लगती हैं। बाकी आज जो बारात गई है हमारे गांव से इस वाली पहाड़ी के ठीक पीछे गई है, और हो सकता है कल मैं भी द्वार दिन में वहां चले जाऊं। अब माँ के साथ आया हूँ गौशाला के दूसरी साइड। यहाँ देखिए आजकल थोड़ी बहुत राई हो रखी है और खेत भी बिल्कुल खाली से हो चुके हैं, और मानसून के टाइम पे ना इस साइड आने में बहुत डर लगता है जंगली जानवरों का, लेकिन आजकल तो आसानी से यहाँ आ सकते हैं। प्रीति के जाने के बाद यहाँ खेत बाड़ी साग सबड़ी सुन लग रही। सुन लग रही सुन, ऐसा क्यों होता बल पता नहीं, या तो हमको लग रहा है या तो हो रहा है। प्रीति की कमी तो कुछ टाइम तक खलेगी ही हमें, अजीब सा लगेगा माहौल। खैर धीरे धीरे आदत पड़ती जा रही है इस अकेले माहौल की। बाकी दूर दूर के गांवों में डीजे वगैरह लगे हुए हैं, शादियों का सीजन है, और अगले महीने तो शादियां होती है नहीं, इसी महीने सारी शादियां हैं भाई। तो यहाँ पे आधे घंटे में माँ ने घास की भारी निकाल दी है, छोटी पूरी मैं भी ले जाऊंगा। मेरे कपड़े ऐसे पहने हैं इसमें घास की भारी अगर ले जाऊंगा
तो पूरे कूड़े वगैरह पत्तियां वगैरह चिपक जाएंगी इस पे। थोड़ा सा ही घास बहुत है आज के लिए। वैसे यहाँ पे पूरी सूखी घास रखी हुई है जो काम आती है सर्दियों के टाइम पे, जब बर्फबारी होती है, बारिश लगती है, अभी तो बस यही घास निकालनी पड़ती है खेतों से। जब तक प्रीति घर में थी, प्रीति करती थी माँ के साथ बहुत हेल्प, अब मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता हूँ। खाना बनाती थी, सबसे मेन तो खाना है, सफाई सफाई क्या बोले, अब सारा काम हमको करना पड़ेगा। अब इसके बाद घर जाके लंच वगैरह बनाते हैं, और आजकल तो दिन इतने छोटे हो गए हैं कि क्या ही बोले। माँ ने फोन ऐसे थैले में रखा रहता है, माँ बोले अगर तो लड़की होती वाले तो वह घर का सारा काम कर देता। अब तक दिन के 2 बज रहे हैं और माँ ने लंच बना के भी तैयार कर दिया है। लंच तो बन गया, पर खाने वाले सिर्फ आज 2 ही हैं भाई। माँ ने आज स्वादिष्ट सा खाना बनाया है, हरी सब्जी है, चावल है, चौसे का साग है। बहुत दिनों के बाद चौसे का साग खाने को मिल रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। शाम के 4 बजे भी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, बस थोड़ी देर में सनसेट पूरा हो जाएगा। अब आजकल सर्दियों का टाइम है तो धूप ना बड़ी दूर जाती है छिपने के लिए, गर्मियों में यहाँ तक आ जाती है सीधी। और मैं अभी आ गई सनसेट होने से पहले गौशाला से। इतनी जल्दी आज ना सबको एक अजीब सी थकान सी लगी हुई है। मैं भी दिन में लंच के बाद सो गया, जबकि आजकल दिन इतने छोटे हैं, पता नहीं क्यों। ये शादी वाली थकान है जो कि अब उतर रही है हमारी। बाकी आजकल चारों ओर हर गांव में लगभग लगभग धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कहीं रामलीला हो रही है तो कहीं मानव नृत्य हो रहे हैं, और चारों ओर हर जगह से स्पीकर पे धार्मिक आयोजनों की आवाजें आ रही हैं। यही तो देवभूमि उत्तराखंड है। सूरज की आखिरी आखिरी किरणों के साथ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लिया जा रहा है। अभी माहौल ना बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है भाई, यहाँ का भी कोई ज्यादा शोरगुल नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की, क्योंकि सनसेट तो हो चुका है। बाकी माँ को एक अभी अभी कुछ याद आया। माँ बोल ही नहीं पा रही, अब मेरे पे बोल रही थी कुछ, क्या हुआ? दीदी और प्रीति ने इस घर में बहुत मेहनत करी वाले, जब ये बन रहा था ना तो सब हम लगे रहते थे, कोई पत्थर ढोरा, कोई गिट्टियां तोड़ा, कोई सामान को इधर उधर रख रहा, क्या करें, जाना तो है ही है। अभी ना कुछ दिनों तक ऐसी छोटी छोटी चीजों पे याद आती रहेंगी प्रीति और दीदी की। दीदी के टाइम पे तो हम छोटे थे, उतना आवास नहीं हुआ था, लेकिन प्रीति के टाइम पे अभी बहुत अजीब सा लग रहा है। जाना तो है भाई, हर बेटी का यही रहता है, जन्म यहाँ लिया, जाना कहीं और है। जब इंसान पास में रहता है ना उतना कमी का एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दूर जाता है ना फिर उसकी यादें आने लगती हैं, उसकी कमी सताती है। प्रीति की याद आने सुधी सुधी भी, क्या बोले अब, ऐसे में ना कुछ भी बोला भी नहीं जाता, गला बैठ सा जाता है भाई। गोला बाबा जाने अखोड़ो दानो लेगी बोलो, मतलब की गले पे जैसे अखरोट सा लग गया होगा, मतलब बंद बंद सा हो रहा है। नए वाले घर पे तो हम अभी गए हैं पिछले 2 सालों से, बाकी पुराने वाले घर से तो हमारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं, यहीं हमारा बचपन गुजरा है, तो यहाँ से प्रीति मेरी और दीदी की बहुत सारी यादें हैं। सामने चौकमा पर्वत पे देखिए सूरज की आखिरी आखिरी किरणें गजब का माहौल बना रही हैं। तो ये जी अपना मनसुना मार्केट, और खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है क्योंकि आसपास शादी और सगाई का दिन है आज। शाम के टाइम अभी मैं आया हूँ शुभम मार्ट मनसुना में, यहाँ पे अंकल जी की शॉप है। अंकल जी नहीं, प्रीति की वेडिंग का शूट करा है तो वही सब रॉ डाटा अपने पास लेना जरूरी है। चले जी, आज मैंने सारी फुटेज ले ली है प्रीति की शादी की अपने पास मेमोरी कार्ड में। बाकी घर पे माँ भी बिल्कुल रेडी है शादी में जाने के लिए। अकेले में कुछ नहीं बनाती माँ भाई, खाना पीना। चले जी, पापा जी भी पहुँच चुके हैं बारात में से। कैसी रही बारात? बढ़िया रही, बहुत डेंजर है। डेंजर? जिस गांव में पापा जी गए थे वो सामने वाली पहाड़ी के ठीक पीछे है, मेरी बड़ी वाली मौसी का गांव, और वहाँ ना मैं 2 बार जा चुका हूँ जब वहाँ रोड ही नहीं थी। तो चले जी, घर पे आज मेहमान भी आ गए, दीदी जी आजी, ये सुबह लगे थे देहरादून से रास्ता। आज जल्दी कैसे आ गए तब? ये भी शादी में इनवाइट कर रखी है, जहाँ पे हम गांव में अभी शादी पे जाएंगे, और यहाँ पे पंडित जी भी आ रखे हैं, पापा जी के दोस्त, दोनों की मजाक चल रही है खूब। अब इनमें बहस चल रही की कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनका रोना धोना यहाँ भी शुरू, क्या कर रहे हैं अब? बाकी बारात भी पहुँच चुकी है यहीं स्कूल के पास में, तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे अब ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले तक माहौल सुनसान था, दीदी लोगों के आने से चहल पहल बढ़ गई है फिर। परिया आज माँ के साथ रो रही थी, शादी के दिन तो रो ही नहीं। अरे रोना नहीं है माँ के साथ, शादी के दिन तो समझाए ना, तू भी रो रहा था, हस्बैंड जी रो रहे थे, ये रो रहे, सब रो रहे थे। और मैंने वो वीडियो आज देखी, इसने तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा, मैं कैसे रो रहा था जोर जोर से।
खैर कोई नहीं, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो चले जी, आप सभी की तैयारी हो चुकी है शादी वाले घर पे जाने की। रात को गांव की शादी अटेंड करने का तो मजा ही कुछ अलग रहता है। अब तो शादियां वनडे होती हैं, लेकिन पहले के जमाने में ना रात भर शादी चलती रहती थी। शादी वाले घर पे पहुंचते ही यहां पे डोली दिखी है, जिस पे कि अभी दुल्हन को लाया गया होगा। सामने पे चल रहा है फोटो सेशन, मस्त में से फोटो खिंचवा रहे हैं। सभी लोग निकल पड़े हैं घर की ओर। बाकी दीदी को कलियो मिला है, ये जिम्मेदारी मुझे मिली है घर तक ले जाने की। तो शादी वाले घर से वापसी आने के बाद अभी मस्त में से बैठे हुए हैं, कुछ काम वगैरह कर रहे हैं सभी अपना। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।